हेलो एंड वेलकम टू बेसिक माइनिंग बाय शरद सपकाल। लेक्चर नंबर 50 एंड वी विल बी डिस्कसिंग ब्लास्टिंग एक्सेसरीज इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। जो एक्सेसरीज या जो और भी चीजें लगती है टू इनिशिएट ए ब्लास्ट, उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ये कुछ स्लाइड्स है जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, एक्सप्लोसिव्स में लो एक्सप्लोसिव, हाई एक्सप्लोसिव्स और ये बूस्टर्स, मेन चार्ज, ये सब होते हैं। ये भी एक वैसा ही है जिसमें क्लासिफिकेशन दिखाए गए हैं कि लो एक्सप्लोसिव यानी कि गन पाउडर, और हाई एक्सप्लोसिव्स में दूसरे हाई एक्सप्लोसिव्स भी आते हैं और ब्लास्टिंग एजेंट्स भी आते हैं। और ये एक टेबल सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और इससे आप उसी चीज को रिकलेक्ट कर सकते हैं जो पहले वाले स्लाइड्स में हमने डिस्कस किया था। ये भी एक टेबल है जिसमें हम शॉर्ट में जो एक्सेसरीज लगती है ब्लास्टिंग को इनिशिएट करने के लिए, उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे हम इनिशिएट करते हैं एक्सप्लोसिव को। तो एक तो होता है कि डिटोनेटर सिस्टम से, और दूसरा होता है फ्यूज सिस्टम से, यानी फ्यूज से भी बारूद को इनिशिएट किया जा सकता है और डिटोनेटर से भी किया जा सकता है जहां तक हाई एक्सप्लोसिव का सवाल है। फ्यूज में एक होता है सेफ्टी फ्यूज, जिसको इन कंजंक्शन विथ ऑर्डिनरी डिटोनेटर हम इस्तेमाल करके कहीं किसी भी एक्सप्लोसिव में, हाई एक्सप्लोसिव में ब्लास्ट इनिशिएट कर सकते हैं, ब्लास्टिंग एजेंट में नहीं, जो कैप सेंसिटिव एक्सप्लोसिव होते हैं उसमें। उसी प्रकार जो डिटोनेटिंग कॉर्ड्स होती है या डिटोनेटिंग फ्यूज होती है, जिसके अंदर पीटीएन का मिक्सचर होता है उस फ्यूज के अंदर, और कॉर्टेक्स व ट्रेड नेम्स के नाम से ये बिकती है, तो ये डिटोनेटिंग कॉर्ड भी एक डिटोनेटर को रिप्लेस करते हुए कहीं भी किसी भी हाई एक्सप्लोसिव में, विच इज नॉट ब्लास्टिंग एजेंट, जो कैप सेंसिटिव है, उसमें ब्लास्ट को इनिशिएट कर सकता है। अब जो डिटोनेटर सिस्टम है जिसमें एक डिटोनेटर यानी एक ट्यूब होती है जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसमें कुछ अलग अलग किस्म की व्यवस्था है। एक तो इंस्टेंटेनियस डिटोनेटर होते हैं जिसके अंदर मेनली प्लेन डिटोनेटर आता है, और दूसरा इलेक्ट्रिक डिटोनेटर आता है। प्लेन डिटोनेटर को हम सेफ्टी फ्यूज से इनिशिएट करते हैं और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर को हम करंट से इनिशिएट करते हैं। फिर डिले डिटोनेटर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक टाइप के होते हैं, कुछ नॉन इलेक्ट्रिक होते हैं जिसको नॉनेल कहते हैं, और आजकल कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स किस्म के भी डिटोनेटर्स डीले वाले में आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ डिटोनेटर्स होते हैं विच आर नॉट जनरली यूज्ड इन माइंस, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। ये जो नॉन इलेक्ट्रिक होते हैं इसको नॉनेल भी पॉपुलरली कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स में लॉन्ग डिले डिटोनेटर्स होते हैं जिसमें हाफ सेकंड का डिले इंटरवल होता है दो डिटोनेटर्स के बीच में, और दूसरे होते हैं शॉर्ट डिले डिटोनेटर्स या मिली सेकंड डिले डिटोनेटर्स। उसमें भी नॉर्मल टाइप के जो ओपन कास्ट में यूज होते हैं वो आते हैं, और नॉन इंसेंडिव यानी कि जिसमें कोई स्पार्क ना हो, ऐसे टाइप के जनरली कोल माइंस में, क्योंकि गैसी कोल माइंस होती है उसमें इस्तेमाल होते हैं। फिर ब्लास्ट होल कनेक्टर्स होते हैं, डिटोनेटरिंग रिलेज होती है जिसको हम बाद में देखेंगे, और कुछ प्राइमेडेट्स या एनोडेट टाइप के भी इसके अंदर डिटोनेटर्स आते हैं। देखिए, सेफ्टी फ्यूज का जहां तक सवाल है, ये इस प्रकार की एक फ्यूज होती है या एक बारूद से भरी हुई एक रस्सी जैसी होती है। इसमें आप देख सकते हो कि ये एक रस्सी है, बहुत फ्लेक्सिबल भी होती है। इसमें ये आउटर कोर होता है, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है, और ये जूट यार्न या टार्ड कॉटन की लेयर होती है ताकि इसको डैमेज से बचाया जा सके और वाटर भी पेनेट्रेट ना हो। और इसके अंदर ये ब्लैक पाउडर या गन पाउडर, वो इसके अंदर भरा हुआ होता है। तो ये 3-4 mm डायमीटर की एक कॉर्ड यानी कि रस्सी जैसी होती है, और इसके अंदर गन पाउडर पूरा भरा हुआ होता है, और बाहर से उसको एक लेयर होती है फॉर इट्स सेफ्टी अगेंस्ट द डैमेज। इसका इस्तेमाल गन पाउडर को इनिशिएट करने के लिए किया जा सकता है, जिसकी ब्लास्टिंग जनरली स्मॉल होल्स में
वेल ब्लास्टिंग के अंदर या फिर कुछ छोटी छोटी जो माइंस होती है वहां पर इसका इस्तेमाल हो सकता है। और दूसरा, इसको इन कंजंक्शन विथ डिटोनेटर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो तस्वीर में दिख रहा है आपको प्लेन डिटोनेटर्स, प्लेन इसलिए कहा गया है कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल नहीं है, इसमें कोई डीले की व्यवस्था नहीं होती है, इसमें जस्ट ये जो सेफ्टी फ्यूज है इसको इसके अंदर घुसा दिया जाता है, एक तरफ उसका जो होल होता है उसमें, और इसको क्रिम्प कर दिया जाता है। गन पाउडर जैसे कि आप जानते हैं 75% इसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है, 15% चारकोल और बचा हुआ 10% होता है सल्फर। और इसकी जो बर्निंग स्पीड है वो 2 फीट पर मिनट के रफ्तार से ये जलती है। और ये जहाँ जलती है वहाँ जैसे फुलझड़ी में जैसे स्पार्क निकलता है, उस प्रकार का इसके अंदर स्पिट ऑफ फायर या स्पार्क होता है जो उस बारूद को इनिशिएट करने में, ब्लैक पाउडर को इनिशिएट करने में काम आता है, या प्लेन डिटोनेटर को भी ये इनिशिएट। ये देखिए, ये इसके अंदर ये फ्यूज का फोटो दिया है, इसके अंदर गन पाउडर है। इस प्रकार से होल के अंदर ऑर्डिनरी जो गन पाउडर होता है उसको भर दिया जाता है और उसके अंदर ये जो फ्यूज है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है जिसके अंदर खुद भी गन पाउडर है। ये वाला सीरा किसी काईपीस या किसी माचिस की भी सहायता से इसको जला दिया जाता है। वो फ्लेम इसमें से ट्रैवल करती है बाहर, कोई ऐसा स्पार्क दिखता नहीं आपको, ज्यादा से ज्यादा स्मोक नजर आएगा। और ये अंदर जाकर के इसका जो स्पिट ऑफ दैट गन पाउडर है वो इस पूरे बारूद को ब्लास्ट करने के लिए इनिशिएट करता है और ये पूरा बारूद जलता है। एक्चुअली इट इज नॉट डिटोनेटेड, इट इज बर्निंग एट ए हाई रेट ऑफ बर्निंग एंड लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस आर जनरेटेड जो एक हीविंग इफेक्ट के साथ में होल के अंदर एक प्रेशर तैयार करते हैं और टूवर्ड्स दी फ्री फेस रॉक को डिसलॉज करता है। ये जो डिटोनेटर्स होते हैं दूसरे, वो गन पाउडर के बरखिलाफ इसके अंदर हाई एक्सप्लोसिव होता है, बहुत हाई एक्सप्लोसिव इसके अंदर होता है। डिटोनेटर्स के अंदर डिटोनेटर एक छोटी सी ट्यूब जैसा होता है समझ लीजिए, और इसको इस हाई एक्सप्लोसिव को सफिशियंट शॉक की जरूरत होती है या डिटोनेशन की जरूरत होती है। डिटोनेशन से तात्पर्य यही एक बहुत ही तीव्र झटका या बहुत ही तेज शॉक। तो ये एक मेटालिक कैप्सूल है जिसके अंदर बड़ा ही सेंसिटिव किस्म का डिटोनेटिंग एक्सप्लोसिव भरा हुआ होता है नीचे, और इट कैन बी इग्नाइटेड बाय इलेक्ट्रिक करंट और स्पार्क ऑफ ए सेफ्टी फ्यूज। सेफ्टी फ्यूज की जो चिंगारी निकलती है उससे या इलेक्ट्रिक करंट से उसके अंदर डिटोनेशन इनिशिएट किया जा सकता है और उससे पैदा होने वाला जो शॉक वेव है वो इतनी सफिशिएंट होती है कि जिस कार्ट्रिज के अंदर आपने उसको इंसर्ट करके लगाया है होल में, उस एक्सप्लोसिव को और बचे हुए एक्सप्लोसिव को भी सक्सेशन में ब्लास्ट कर सके। ये जो डिटोनेटर होता है ये जनरली 5 से 7 मिलीमीटर के डायमीटर का होता है और इसकी लंबाई कम ज्यादा हो सकती है, क्योंकि जो इंस्टेंटेनियस डिटोनेटर्स होते हैं जो जैसे ही करंट जाएगा उसी समय पे जो ब्लास्ट होते हैं, उनके अलावा कुछ डीले डिटोनेटर्स भी होते हैं तो उनके अंदर एक डीले एलिमेंट होता है जो लंबाई में रहता है। डिपेंडिंग ऑन द डीले इंटरवल इसका जो लेंथ है डिटोनेटर का वो वेरी कर सकता है। डिटोनेटर के अंदर नॉर्मली एक बेस चार्ज यानी कि एक नीचे एक चार्ज होता है या बारूद होता है जो पेंटाएरिथ्रेट्रॉल टेट्रानाइट्रेट होता है PETN, और इस बेस चार्ज को इनिशिएट करने के लिए इसके ऊपर एक प्राइमरी चार्ज होता है जिसे जनरली ASA मिक्सचर शॉर्ट में कहा जाता है। और इस ASA से तात्पर्य है लेड एजाइड, लेड स्टिफनेट और एल्युमिनियम पाउडर। तो ये उसके ऊपर रखा जाता है बेस चार्ज के ऊपर, तो चार्ज है उसको ठीक से कॉम्पैक्ट किया जाता है ताकि उसमें एयर गैप ना रहे। जनरली नंबर 6 के डिटोनेटर्स माइनिंग वर्क में काम आते हैं, एक दूसरे नंबर 8 के होते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल माने जाते हैं तो उसका इस्तेमाल माइंस के ब्लास्टिंग के अंदर नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रिक वाला डिटोनेटर है तो उसको करंट चाहिए होता है, वो करंट जाता है 2 वायर्स के थ्रू में से करंट जाता है और आगे एक फ्यूज हेड होता है जिसके अंदर
जैसे पुराने समय में जो बल्ब आते थे उस प्रकार का एक फ्यूज लगा होता है, और उस फ्यूज में से जब वो गुजरता है करंट तो वो फ्यूज बर्न हो जाता है। इसके अंदर ये 0.5 एम्पियर करंट भेजने के लिए करीब 3.5 वोल्ट का आपको प्रेशर चाहिए, इलेक्ट्रिक प्रेशर चाहिए, क्योंकि उसका जो फ्यूज हेड है उसके अंदर जो फ्यूज का भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है। इसको डिटोनेटर को बड़ा सिक्योरली और सेफ तरीके से रखा जाता है, और जिस एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज के अंदर यानी जिस टोटे के अंदर ये डिटोनेटर इंसर्ट किया जाता है उसको प्राइमर कार्ट्रिज कहा जाता है। तो जो वो फ्लेम निकलती है सेफ्टी फ्यूज की या इलेक्ट्रिक करंट से जो वो फ्यूज मेल्ट होता है और जो हीट जनरेट होती है उससे इसके अंदर डिटोनेशन होता है। तो जिसमें जिस कार्ट्रिज के अंदर ये डिटोनेटर होता है उसको प्राइमर कार्ट्रिज कहते हैं। ये जो डिटोनेटर्स है उसको क्लासिफाई किया गया, एक तो है प्लेन डिटोनेटर, जिसमें ये होता है कि ये एक ट्यूब नजर आ रही है आपको 5-7 मिलीमीटर डायमीटर की, इसमें ये नीचे बेस चार्ज है, उसके ऊपर ये प्राइमरी चार्ज है, और उसके ऊपर ये गैप है, पोला भाग है, इसके अंदर जनरली कुछ सॉडस्ट वगैरह भर दी जाती है, और जब हमको ब्लास्ट करना होता है तो इस सॉडस्ट को नीचे निकाल के फेंक दिया जाता है, और ये एल्यूमिनियम की जनरली बनी होती है ट्यूब, और इसके अंदर ये सेफ्टी फ्यूज जो है उसको इंसर्ट कर देते हैं। इसको ठीक से फॉर्मली इंसर्ट कर दिया जाएगा और फिर यहां पर इसको क्रिम्प कर देते हैं, एक प्रकार का क्रिम्पर एक डिवाइस होता है जिससे इसको चिपटा देते हैं ताकि ये जो एल्यूमिनियम की ऊपर की कवर है वो अच्छे से सेफ्टी फ्यूज को होल्ड कर ले और सेफ्टी फ्यूज इसमें आसानी से बाहर ना निकल पाए। ये जनरली एल्यूमिनियम का शेल होता है और ये नॉन गैसी खदानों में ही और ड्राई पोजिशन में ही इसका इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये जो सेफ्टी फ्यूज है ये बड़ा हाइग्रोस्कोपिक होता है, पानी से बर्बाद हो सकता है। डिस्चार्ज पीटीएन और प्राइमरी चार्ज ऐसे मिक्सचर होता है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है डिटोनेटर की दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ बेस चार्ज। ये जो हम 6 नंबर या 8 नंबर ये जो बताते हैं तो ये जो इसकी जो स्ट्रेंथ है ये बेस चार्ज की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है, और इस प्रकार से इसके अंदर सेफ्टी फ्यूज जाकर के यहाँ एक प्रकार का स्पार्क या स्पिट ऑफ फायर पैदा करता है, क्योंकि ये सेफ्टी फ्यूज जलते हुए जाती है तो यहाँ पर वो इसको इनिशिएट कर सकती है, ब्लास्ट कर सकती है। इसमें आप देख सकते हैं ये प्लेन डिटोनेटर है, ये प्राइमरी चार्ज है, ये बेस चार्ज है, और ये डिटोनेटर इतना लंबा है, यहाँ पर ये कुछ रहता नहीं है, इसको सॉडस्ट रही तो इसको फेंक देते हैं निकाल के, और ये जो इसके अंदर पोलापन है इसके अंदर इस प्रकार से सेफ्टी फ्यूज को इंसर्ट कर दिया जाता है, और फिर इसको क्रिम्पर की सहायता से ऐसा दबा देते हैं ताकि ये सेफ्टी फ्यूज बाहर ना निकल आए। तो ये ऑर्डिनरी डिटोनेटर कहते हैं इसको, या नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर कहते हैं, या प्लेन डिटोनेटर कहते हैं। फिर इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स भी होते हैं, ये 6 mm की डायमीटर के होते हैं और 32 से लेकर 53 मिलीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी डीले एलिमेंट, अगर डीले एलिमेंट उसके अंदर है तो। और ये इसका लंबाई ज़्यादा होने का मकसद यही है कि इसके अंदर एक न्यूक्लियन या प्लास्टिक का प्लग होता है ताकि इसके अंदर पानी नहीं घुस सके, और ये जो दो वायर्स दिख रहे हैं एक वायर में से करंट आता है दूसरे वायर से बाहर निकलता है, और यहाँ पर एक फ्यूज हेड होता है जिसके अंदर का फ्यूज जो है वो जल जाता है और एक हीट पैदा करता है वहां पर। तो ये एक इंस्टेंटेनियस किस्म का डिटोनेटर का सेक्शन दिखाया गया। इंस्टेंटेनियस मतलब जैसे ही इसमें से करंट गुजरेगा उसी समय में इमिडिएटली ये एक्शन कंप्लीट हो जाएगी और ये ब्लास्ट हो जाएगा। दूसरे होते हैं डिले डिटोनेटर्स, उसको हम बाद में देखेंगे। तो इसका कंस्ट्रक्शन प्लेन डिटोनेटर जैसा ही है, ओनली थिंग इज कि प्लेन डिटोनेटर में यहाँ पर फ्यूज इंसर्ट की जाती है और यहाँ पर ये वायर्स लगे हुए हैं और इन वायर्स को फिर बाहर जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर एक जो फ्यूज हेड है इसके अंदर भी एक फ्लैशिंग मिक्सचर या एक किस्म की बारूद होती है जिसे पोटेशियम क्लोराइड
और नाइट्रोसेल्यूलोज और कुछ चारकोल, ये मिक्सचर इसके अंदर फ्यूजेड में होता है, ताकि जो स्पार्क इसमें से गुजरे तो वो इस मिक्सचर को फ्लैशिंग कर दे, इस मिक्सचर को जला के एक प्रकार की हीट पैदा करे और यहाँ पर वो प्राइमरी चार्ज को इनिशिएट कर सके। तो प्राइमरी चार्ज फिर बेस चार्ज को इनिशिएट करेगा और इस प्रकार से वो प्राइमर के अंदर जिस कार्ट्रिज में ये डाला हुआ है उसको इनिशिएट करेगा। और प्रॉपर इलेक्ट्रिक करंट का जाना जरूरी होता है इसके अंदर। और ये है कंस्ट्रक्शन में, ये वैसा ही है नीचे, जहां तक बारूद का सवाल है। ये देखिए, ये कुछ डिटोनेटर्स दिखाए गए हैं, प्लेन डिटोनेटर्स, और ये इंस्टेंटेनियस किस्म के हैं, इसके अंदर कोई डीले एलिमेंट नहीं है और इसमें जिस समय करंट जाता है उसी समय इसके अंदर ब्लास्ट हो जाता है। ये डिले डेटोनेटर्स की जरूरत इसलिए पड़ती है कि मान लीजिए कि ये एक फ्री फेस है और हमने ये वर्टिकल होल्स लगाए हैं 3 रोज में या 3 कतारों में, और इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पर इस होल्स को पहले फूटना है, तो इनमें इनको ब्लास्ट कर दे, फिर ये वाले होल्स को अलग से ब्लास्ट करें, फिर ये वाले होल को अलग से ब्लास्ट करें, ये बड़ा कम्बरसम प्रोसीजर हो जाता है और कई बार ये बैक ब्रेक की वजह से डैमेज भी हो सकते हैं पीछे के होल। तो टू अवॉइड दिस एंड टू अवॉइड द टाइम कंज्यूम्ड, हम लोग ये करते हैं कि इसके अंदर कुछ ऐसे डिटोनेटर डालते हैं जो इंस्टेंटेनियसली ब्लास्ट हो जाए, हालांकि करंट वही गुजर रहा है इन सभी में से, और ये उससे कुछ देर बाद यानी कि 65 मिलीसेकंड के बाद ब्लास्ट हो, और ये कतार उससे आगे ब्लास्ट हो, 130 मिलीसेकंड के इंटरवल पर ब्लास्ट हो, यानी इसमें और इसमें 130 मिलीसेकंड का फर्क है। तो ये बेंच ब्लास्टिंग के अंदर जहां हमको फ्री फेस का एडवांटेज लेना होता है और नंबर ऑफ होल्स आर टू बी ब्लास्टेड एट ए टाइम, तो उस सूरत में हमको डिले डेटोनेटर्स की जरूरत पड़ती है। और इसके अंदर आप देखिए कि जो पहली रो ब्लास्ट करके बाहर पत्थर फेंका जाएगा, तो दूसरी रो और पहली रो के अंदर फर्क होना चाहिए, जैसा कि इसमें 65 मिलीसेकंड का है, क्योंकि जब ये रॉक आगे बढ़ेगी या निकल जाएगी तो उसमें भी कुछ समय लगता है, और टू टेक केयर ऑफ इट इसके अंदर दोनों के अंदर डिले इंटरवल में फर्क होना जरूरी है। जनरली ये माना जाता है कि जो 10 मिलीसेकंड पर मीटर के हिसाब से बर्डन को कैलकुलेट किया जाता है, कि 1 मीटर का बर्डन हो तो इट रिक्वायर्स 10 मिलीसेकंड टू मूव, ये वाला अगर, तो ये बर्डन कितना लंबा है इसके ऊपर भी जाहिर है कि ये इंटरवल डिपेंड करेगा। ये कुछ कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, 2 वायर आए हैं, एक वायर में से करंट जाएगा, वहाँ आगे फ्यूज हेड है उसमें से करंट गुजर के दूसरे वायर से वापिस आएगा, और यहाँ फ्यूज हेड के अंदर भी आपने जैसा सुना एक फ्लैशिंग मिक्सचर होता है बहुत ही ताकतवर, और वो जो फ्यूज जब पिघल जाता है और जब फ्यूज टूट जाता है जो ब्रिज होता है उसमें, तो वो एक प्रकार का फ्लैश या हीट पैदा करता है, फ्लैशिंग मिक्सचर से इस प्रकार का स्पार्क पैदा होता है। जो तो यहाँ जब ये फ्लैश करेगा तो सबसे पहले इसके सामने एक डिले एलिमेंट आ रहा है, तो ये फ्लैश या ये डिटोनेशन इस डिले एलिमेंट के थ्रू यहाँ से यहाँ गुजरेगा, और जब तक ये प्राइमरी चार्ज तक पहुँचता है वो उतना डिले इंटरवल या उतना समय इसको लग जाएगा। उसी के आधार पर मान लीजिए कि यहाँ 25 मिलीसेकंड का ये है, तो इस डिले पोर्शन की लंबाई कम रहेगी, 50 मिलीसेकंड का फर्क है तो ये ज़्यादा रहेगी, एंड सो ऑन। तो इस प्रकार से ये आफ्टर सर्टेन डिले इस प्राइमरी चार्ज को इनिशिएट करेगा और ये फिर बेस चार्ज को इनिशिएट करेगा, यही इसके अंदर सिस्टम रखा गया है। इलेक्ट्रिक जो डिले डिटोनेटर्स होते हैं ये कुछ लंबे होते हैं, क्योंकि इसको न्यूप्रीन प्लग के अलावा डिले एलिमेंट को भी अकोमोडेट करना होता है, और इसमें लो टेंशन टाइप के ही डिले डिटोनेटर्स यूज किए जाते हैं जो 6 नंबर के हैं, और ये शेल जो है ये एल्यूमिनियम का या कॉपर का हो सकता है। जनरली नॉन इंसेंडियरी जो किस्म के होते हैं यानी जिसके अंदर स्पार्क नहीं पैदा हो, ऐसे कॉपर के डिटोनेटर्स कोल माइंस में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि कॉपर कंडक्टर है तो वो स्पार्क नहीं पैदा करता है और करंट जो है वो फ्लो हो जाता है उसमें से, ट्रांसफर हो जाता है। लॉन्ग डिले या हाफ सेकंड डिले डिटोनेटर्स जो होते हैं
वो उनके नंबर 0 से लेके 15 तक आते हैं, और दो डिटोनेटर्स के अंदर 300 से 500 मिलीसेकंड का इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल। कहने को इसको हाफ सेकंड कहते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि 500 मिलीसेकंड ही रहे। और दूसरे होते शॉर्ट डिले या मिलीसेकंड डिले डिटोनेटर्स, इनके अंदर 25 से 75 मिलीसेकंड का फर्क रह सकता है। और ये जो मतलब अलग अलग किस्म के डिटोनेटर है, कुछ 75 मिलीसेकंड के इंटरवल रखने वाले, कुछ 25 मिलीसेकंड इंटरवल रखने वाले, तो इस प्रकार से उनका नंबरिंग होता है। और इसमें 4 से 16 फिट लंबी लेंथ की लेड वायर होती है, क्योंकि जो आपका प्राइमर कार्ट्रिज है जिसके अंदर इस डिटोनेटर को प्लेस करना है, वो नीचे रहता है होल में। जनरली प्राइमिंग हम लोग इनवर्स इनिशिएशन करते हैं, तो प्राइमर जो है वो नीचे रखा जाता है, तो इसकी सफिशियंट लेंथ होना जरूरी है लेड वायर की, ताकि वायर्स होल के बाहर तक आ सके और फिर उनको सीरीज में कनेक्ट किया जा सके। तो इसमें 10 किस्म 10 डीले इंटरवल्स या 10 नंबर्स तक के ये डीले आते हैं। और ये जो डीले कंपोजिशन होता है, डीले पैदा करने वाला जो मिक्सचर होता है, वो जनरली रेड लेड और सिलिकॉन का मिक्सचर होता है, जो इस डीले को इफेक्टिव बनाता है या डीले को पैदा करता है। यहाँ पे शैलो डेप्थ के लिए 3 मीटर से कम ऑर्डिनरी डिटोनेटर्स को हम कार्ट्रिज में इंसर्ट करके इसको ब्लास्ट करते हैं, और सेफ्टी फ्यूज से भी जरूरत पड़ी तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और इलेक्ट्रिक डिटोनेटर्स को जब नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा हो तब इसको एक्सप्लोड करते हैं। और इसमें जो करंट दिया जाता है वो किसी बैटरी टाइप के या दूसरे किस्म के एक्सप्लोडर से दिया जाता है। एक डिवाइस होता है जिसके अंदर करंट पैदा हो एट सफिशियंट वोल्टेज, और वो लेड वायर उसको ज्वाइन करके फिर उस करंट को इसमें से गुजारा जाता है। एक मैंने लेक्चर आपके सामने पेश किया है, और हमारा इसके ऊपर और लेक्चर आएंगे। एक्सप्लोसिव का बहुत लंबा कोर्स है इसका, और बहुत लंबी इसके अंदर जानकारी है, तो वी विल कंटिन्यू इन लेक्चर नंबर 51 एज वेल। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गाइड मी, और से यू प्लेस योर कॉमेंट्स सो दैट आई कैन अकॉर्डिंगली मॉडिफाई और से इंसर्ट सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एंड सो ऑन। थैंक यू वेरी मच।